वो आ गया। देखो वो आ गया। देखो देखो वो आ गया। तेरह अप्रैल को मैंने कुछ मंगवाया था मम्मी के लिए, आज जाकर 19 अप्रैल को वो फाइनली डिलीवर होने वाला है। हेलो नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से नए व्लॉग के अंदर। मेरा नाम है निष्काम भाकिया। आज है 19 अप्रैल 2022। इस वक्त अभी 10:30 बज रहे हैं और भयंकर गर्मी है बाहर इस वक्त। ब्रेकफास्ट इज डन, पोहा बना था ब्रेकफास्ट के अंदर, बहुत ही मज़ेदार लाजवाब। और फिलहाल अभी थोड़ा सा काम करना है मुझे फोटो बेसिक्स का, उसके बाद में आज वीडियो भी शूट करनी है। फोटोज पहले कैप्चर करके देखेंगे, जो मुझे वीडियो शूट करनी है जिस चीज़ की उसकी फोटोज कैप्चर करके देखेंगे, अगर रिजल्ट्स अच्छे आए तो देन उसके बाद में वीडियो शूट करेंगे। अरे बाप, कैसी नाइस सेट ने आज बड़े दिनों के बाद अपना व्लॉग डाला है। अंदर से खुशी मिल रही है भाई, इसको देखना पड़ेगा। कैसी नाइस सेट, तो भाई प्यार है, प्यार बचपन का प्यार। देखो वो आ गया। बताओ क्या है? आप गैस ही नहीं कर पाओगे जी। ये लग रहा है बुक रैक या स्टोरेज वाला, जो जैसे चीकू ने मंगाया था। आप इमेजिन नहीं कर सकते ऐसी चीज़ें। बुक रैक जो नहीं, स्टोरेज वाला भी नहीं। आ जाओ, शाबाश शाबाश। ठीक है, इतनी आकर मार दे भाई। आप सब्जी बनाओ, तब तक मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ। आप लोगों को पहले देखने को मिलेगा क्या चीज़ है। इसको करने में ज़्यादा मज़ा आता है। मम्मी को मैंने किचन में भेज रखा है ताकि अभी देख ना पाए, लेकिन सीरियसली अनबॉक्सिंग का सबसे बेस्ट पार्ट यही होता है। छोटी बच्ची हो क्या? तो क्या है ये चीज और क्यों मंगवाई है मैंने, लेट मी टेल यू। तो गाइस, जो हमारी किचन डिजाइन हो रखी है वो आज से 15 साल पहले जब घर बना था हमारा, उस टाइम पर डिजाइन हुई थी। 15-16 साल हो गए घर को बने हुए, तो उस टाइम पर हम लोगों ने इसके अंदर चिमनी फिट नहीं करवाई थी और चिमनी की जगह पर एक कुछ ऐसा सा दिखने वाला एग्जॉस्ट फैन है जो कि सीधा जा रहा है ऊपर यहाँ से और यहाँ से बाहर निकल रहा है। बट द प्रॉब्लम विद दिस एग्जॉस्ट फैन इज, इसके साथ में कभी खाना नहीं बना सकते और ये प्रॉब्लम 15 सालों से है किचन के अंदर। नाउ ड्यूरिंग समर्स किचन के अंदर खाना बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसा आप लोगों ने देखा होगा, मैं और मम्मी दोनों ही खाना बनाने के शौकीन है। मुझे स्नैक्स ड्रिंक्स वगैरह बनाना पसंद है, मम्मी रेगुलर खाना बनाती ही है किचन के अंदर। तो ड्यूरिंग समर्स बहुत बुरे हालात हो जाते हैं, पसीना टपक रहा होता है पूरी बॉडी से, बट खाना तो बनाना है किचन के अंदर। सो हाल ही में हमने एक फैन लगवाया जो कि कुछ ऐसा दिखता था, लेकिन इसके साथ भी वही प्रॉब्लम थी। नो डाउट इसके अंदर हवा अच्छे से लग रही है मुझे, लेकिन खाना मैं फिर भी नहीं बना सकता। व्हेन इट कम्स टू सब्जियों की कटिंग करना, आटा गूंदना, बर्तन वगैरह साफ करना, उसके लिए ये सही है, तब तक इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट असली गर्मी कब लगती है, जब खाना बन रहा होता है, गैस चल रही होती है जब साइड में। तो फिर ख्याल आया कि एसी फिट करवाया जाए किचन के अंदर, बट एसी फिट करवाने के लिए यहाँ पर चिमनी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो किचन का धुआं है जब तक बाहर नहीं निकलेगा प्रॉपर तरीके से, तब तक एसी फिट करवाने का फायदा नहीं है, क्योंकि वो जल्दी से एसी को खराब कर देगा उसके वेंट्स के अंदर धुआं घुस के। क्या चीज है
चीजें ये टावर फैन क्या फैन क्या समझ ही नहीं है मेरे को कैसा फैन आपकी किचन के लिए एसी किचन के लिए एसी ये क्या होता है ये नई चीज आई है मार्केट में खोल के तो निकालो जल्दी से किचन के लिए वाओ मैं तेरे को अच्छी अच्छी डिश बना के खिलाऊंगी खैर खोल के देखा सच में मजाक नहीं कर रहा नहीं तो मैं मंगवा भी लूंगी एसी भी लगवा लूंगी फिर झूठ निकला दो अब आइडिया आ गया मेरे दिमाग में किचन के लिए भी कुछ हो सकता है ये आपकी गैस नहीं बुझाएगा है ये तो मैंने कभी देखा नहीं ऐसा प्रोडक्ट जल्दी से खोलना भाई खोल रहा हूं अगर ये तू कह रहा है कि किचन के लिए एसी लग तो नहीं रहा अगर तू ये मजाक मेरे साथ किया तो मैं सच में ऑर्डर करवाऊंगी अरे जब आ गया वो अभी आपके सामने तो आया मैंने ऐसा कभी प्रोडक्ट देखा नहीं है मैंने बस इसकी डिलीवरी है तो फिर ये हवा कैसे देगा कूलिंग कैसे सब बताऊंगा धीरे धीरे रुको तो बॉक्स में निकला है एक स्टैंड है ये तो मेरे को लग रहा टूट गया स्टैंड साथ में मैनुअल है नहीं ये दो है एक साथ जुड़ेंगे ऐसे जुड़ जाएंगे साथ में मैनुअल है और एक ये फैन है पास में लेके आना इस तरह से जुड़ जाते हैं मैं गर्मी सह लेती बेटा बेटा पंखा क्यों मंगाया तुमने देर आर मेनी ऑप्शंस इस टावर फैन के अंदर बट मैंने क्रोमा चूज इसलिए किया सिंस आई एम अ टाटा का बहुत बड़ा फैन एंड ऑल्सो एन इन्वेस्टर इन टाटा प्रोडक्ट्स ये मुझे सबसे बेस्ट लगा क्वालिटी वाइज यूजेज वाइज पर्पस के लिए इसको लिया है वो पर्पस ये सोल्व कर रहा है नाउ दिस इज कॉल्ड अ टावर फैन और ये यूजुअली एक या दो बंदों के लिए इस्तेमाल होता है इसे आप एक ग्रुप को हवा नहीं दे सकते हो इस तरह के स्मॉल स्पेसेस के अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है ऊपर से तो अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं तो ये लगभग 2.25 feet के करीब है और कुछ इस तरह का दिखता है ये मेरे लगभग यहां पर आता है ये तो सबसे पहले इसको चालू करने के लिए आपको यहां से ऑन करना पड़ेगा और उसके बाद में ये स्पीड का डायल है इसमें आपको स्पीड सेलेक्ट करनी पड़ेगी आपको लो स्पीड चाहिए मीडियम चाहिए या फिर हाई चाहिए उसके बाद में इसके अंदर टाइमर के भी ऑप्शन है अगर आप मान लो आप टाइमर लगा के इस पर यूज़ करना चाहते हो इसको तो आप इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो जैसे मान लो 30 मिनट का टाइमर लगाया अब इसको मैं चालू कर दूंगा तो 30 मिनट के बाद में ये अपने आप बंद हो जाएगा तो जो इस तरह का टाइमर है ये इस्तेमाल कर सकते हो जैसे मान लो आप किसी एसी वाले रूम के अंदर इसको लगा रहे हो और आपको लग रहा है 30 मिनट के बाद में ज़्यादा ठंड लगने लग जाएगी इस फैन से तो 30 मिनट का टाइमर लगाओ और 30 मिनट बाद ही अपने आप ऑफ हो जाएगा उसके बाद में नहीं चलेगा ये फैन बटन से बंद हो या चालू हो ये जो टाइमर है घूमता रहेगा और इसमें 180 मिनट्स तक का टाइमर लग सकता है टोटल उसके बाद मैं इसको आपको चालू करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर अभी हाई स्पीड हो रखी है इसको अब यहाँ से मीडियम और यहाँ से लो कर सकते हैं उसके बाद में यहाँ पर OSC लिखा हुआ है ये ओसिलेशन का बटन है अगर आप इस फैन को रोटेट करवाना चाहते हो इस फैन का जो आगे का पार्ट देख रहे हो अब ये इतना स्लीक है कि सिर्फ एक आदमी को ही हवा देगा मतलब ये इस लाइन के अंदर ही हवा देगा ना तो इधर हवा आएगी और ना इधर हवा आएगी ये मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ तो अभी मैं इसको प्रॉपर हाई पे कर देता हूँ और ये रुमाल की मदद से मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ इसकी हवा किस तरह से काम करती है तो मैंने जैसे इसको यहाँ पर रखा हुआ है इस फैन के इतनी पास में ये अभी हवा नहीं दे रहा है देख सकते हैं आप राइट में भी हवा नहीं आ रही है इस फैन के बिल्कुल पास में है ये लेकिन जैसे ही मैं इसके सामने लेके आऊँगा तो कुछ इस तरह से ये हवा देता है हाई स्पीड के ऊपर मान लो मैं इसको रोटेट करवाना चाहता हूँ तो 60 degrees तक ये रोटेट कर सकता है इसको मैं बटन को प्रेस करूँगा यहाँ से और ये रोटेट करना चालू कर देगा
मनपसंद जगह पर इसको अगर रोकना चाहता हूँ तो इस बटन को फिर से प्रेस कर सकता हूँ और ये अब रोटेट नहीं करेगा, ये एक जगह पर टिक गया है। आपको ऊपर से यहाँ से हाइट ज़्यादा लग रही होगी बट इसकी हाइट 2.25 फीट तक ही है, 72 सेंटीमीटर्स इसकी हाइट इसमें दिखा रखी है नीचे बेस प्लेट से, और ये बेस प्लेट के साथ ही काम कर सकता है और वर्टिकली काम करेगा, हॉरिजॉन्टल ये नहीं लगेगा। इसकी हवा दिखाता हूँ अलग अलग मोड्स के ऊपर, लो, मीडियम और हाई के ऊपर कैसे आती है। तो सबसे पहले मैं इसकी नोब को कर देता हूँ यहाँ पर लो के ऊपर, तो लो के ऊपर आपको ये कुछ इस तरह की हवा देगा। उसके बाद हम इसको मीडियम पे करते हैं, मीडियम पे कुछ इस तरह की हवा आएगी। उसके बाद इसको हम हाई पे करते हैं, उड़ गया तो हाई पे कुछ इस तरह की हवा आएगी। मैंने बिल्कुल हल्का सा पकड़ा हुआ है, आपको आइडिया हो रहा होगा क्योंकि ये एक पोर्टेबल फ़ैन है तो इसको आप उठाकर कहीं भी ले जा सकते हैं। मान लो आप बाहर जा रहे हैं कैंपिंग करने, या फिर आप कहीं छत पर बैठे हैं या फिर किसी ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ पर नॉर्मल जो सीलिंग फ़ैन है वो काम नहीं कर सकते हैं, तो कुछ इस तरह का फ़ैन आप कंसीडर कर सकते हो। उसके साथ साथ इस फ़ैन को आप कंसीडर कर सकते हो एसी वाले रूम के लिए। मान लो आपको जो सीलिंग फ़ैन है उसकी हवा गर्म लगती है, आप एसी के साथ में फ़ैन भी यूज़ करते हो, तो कुछ इस तरह का फ़ैन आप बेड के पास में रख सकते हो जिसको आप टाइमर के साथ में सेट करके एसी के साथ चला सकते हो। एक तरह से रूम के अंदर जो हवा है उसको सर्कुलेट करने में सही रहेगा। तो हमारा मेन पर्पस था किचन के लिए इसको इस्तेमाल करना। अब मैंने प्रॉपर इसकी डायमेंशंस लेकर ही इसको ऑर्डर किया प्रोडक्ट का। इससे बड़े टावर फैन भी आते हैं लेकिन जो इसे छोटा था क्रोमटन वाला वो अवेलेबल नहीं था। आप भी कंसीडर कर सकते हैं इसको अगर आप किचन के लिए यूज करना चाहते हैं तो, बट मेक श्योर आप अपना किचन का देख लें पूरा सेटअप कि किस तरह से कहां पर फैन लगेगा, और उसके बाद में अगर आपको हाइट की जरूरत पड़ेगी तो आप कुछ हाइट के लिए भी जुगाड़ कर सकते। इसके साथ साथ ये कैफेज के अंदर भी यूज किया जा सकता है साइड में, और बिल्कुल शोर नहीं करता ये फ़ैन, एकदम शांति से पड़ा रहेगा। और जैसे मान लो कैफ़े बड़ा है और एसी उसमें कम लगे हुए हैं तो इस तरह के फ़ैन्स आप साइड में प्लेस कर सकते हो, यूज़फुल रहेंगे वो भी, मतलब हर किसी को गर्मी नहीं लगेगी। इसके साथ साथ इस फ़ैन की एक खास बात ये भी है कि इसके अंदर जो बाकी नॉर्मल फ़ैन्स होते हैं जैसे इसके अंदर ब्लेड्स लगे हुए हैं तो इसके अंदर ब्लेड्स नहीं है। इसके अंदर एक्चुअली मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ कि क्या चीज़ है ये, कुछ ऐसा समझ लो जैसे मान लो आपकी जो जैसे वो मशीन होती है ड्रायर करने वाली, वॉशिंग मशीन के अंदर ड्रायर वाला लगा होता पार्ट, तो ड्रायर वाले पार्ट ही है एक तरह से ब्लैक कलर के अंदर, और वही तेज तेज घूमता है और उसके साथ ही हवा आती है। काश इसके बारे में पहले पता होता ना, गर्मी नहीं लगती इतनी, पिछली गर्मी बहुत गर्मी थी। तो ये मैंने अमेजोन से परचेज किया था। इसकी खास बात है 45 वोल्ट की इसमें मोटर है और कॉपर वोल्ट है 100%, तो ख़राब कम होने के चांसेस है। उसके बाद में एक मैंने इसका वन साइड गो का इंश्योरेंस लिया था जो कि है 2025 तक। तो 2025 तक अगर कुछ भी खराबी आती है इस फैन के अंदर मेरा जो फैन है ठीक हो जाएगा फ्री में या फिर रिप्लेस हो जाएगा, और वो मुझे इंश्योरेंस 106 कुछ रुपए का पड़ा था। और ये टोटल फैन की बात करूं तो ये मुझे फैन पड़ा था 3800 का। बाकी डिपेंड करता है कि किस तरह के ऑफर्स चल रहे हैं, इसका प्राइस ऊपर या नीचे जाता रहता है, बट फिलहाल मुझे कोई ऑफर देखने को नहीं मिला यहाँ पर। तो एग्जैक्ट इसी मॉडल का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, इफ यू वांट टू परचेज आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं उसका करंट प्राइस। लेट मी शो यू, टावर फैन इज ऑन, हवा आ रही है मेरे ऊपर बढ़िया एकदम। और हमारी गैस को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ मेरे बोलने से हिल रही है ये या फिर ये हवा से हिल रही है, नहीं तो बिल्कुल स्टेबल है। आर यू सेटिस्फाइड? मस्त, बहुत बढ़िया, अब गर्मी नहीं लगेगी आपको। सही बात है। ओ भाई, पापा को लेने गया था मैं बाहर थोड़ी देर के लिए और इतनी गर्मी थी ना बाहर, बुरा हाल हो गया, दिमाग ऐसे गर्म हो गया माथा मेरा। आगे वो चीज अच्छा, जब भी तेरे में कुछ लगाई है ये बात, आइडिया लगाओ क्या क्या हो सकता है, तेरा सूट हो सकता है, कुर्ती हो सकती है, वो तो मैं वैसे ही ले लेती हूं, मोबाइल होगा तेरा, आज देख लो स्पीकर कूलर। वाह, क्या है, क्या बताओ, पंखा लग रहा है, एसी है, उसी से ही आती है, वो घूमता है, नहीं मतलब उसके मुकाबले ठंडी है ना,
वैसे कुल्लक वाली ठंडी नहीं आएगी, ब्लेड वाले सैंड से ठंडी आवा। चलो सबको पसंद तो आ गया। तो अभी सीन में अपडेट ये है कि जो टावर फैन को हमने चौकी के ऊपर रखा हुआ था उसको अब नीचे उतार लिया, और नीचे उतारने के बाद भी गैस पे किसी भी तरह की हवा नहीं आ रही है। मम्मी को ठीक से हवा लग रही है, तो कुछ इस तरह से धीरे धीरे एक्सपीरियंस हुआ। बिल्कुल नया प्रोडक्ट है तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत चेक करना पड़ता है। मैं आपको क्योंकि गलत चीज नहीं बताऊंगा इसलिए आपको एक महीना इंतजार करना पड़ेगा इसका प्रॉपर रिव्यू जानने के लिए। एक महीना यूज करने के बाद ये कैसा दिखता है, सिंस ये व्हाइट कलर का डिजाइन है इसका गंदा होने के चांसेस है किचन के अंदर, तो एक महीने बाद गंदा होगा या नहीं, चलेगा ठीक से या नहीं चलेगा, डस्ट इसके अंदर इकट्ठी होगी, वो सब चीजें एक महीने के बाद अच्छे से यूज करके मैं आपको बताने वाला हूँ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और उन लोगों के साथ शेयर करना जिनको इस नई चीज के बारे में नहीं पता था। मेरे लिए तो पहली बार एक्सपीरियंस है ऐसी कुछ चीज का, एंड इट्स गुड फॉर मी। मैं निष्काम भाटिया आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो के अंदर ठीक इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव मजेदार व्लॉग्स के साथ में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए।